हेलो फ्रेंड्स, कुलेस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोभी आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है फूल गोभी 500 ग्राम। इसे अच्छे से धो लिया है और धो के इस तरीके से काट लिया है। नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार। हरे मटर के दाने लिए हैं मैंने आधा कटोरी। एक बड़ा साइज का आलू लिया है, इसे अच्छे से धो के छील के मैंने इस तरीके से क्यूब में काट लिया है। हल्दी लेंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर लेंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। एक बारीक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने कटा हुआ। मसाले में हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन लिया है मैंने 5 से 6, उसका पेस्ट ले लिया है। साथ ही अदरक इस साइज़ का कद्दूकस करके आधा चम्मच मैंने लिया है। जीरा और 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच यूज़ कर सकते हैं। धनिया पत्ती लिया है मैंने बारीक कटी हुई। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्राइंग पैन चढ़ा लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल लेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे, साथ ही हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। आप इसे बहुत ज़्यादा मसाले युक्त बनाना चाहते हैं तो इसमें आप आधा चम्मच खड़ा मसाला पाउडर डाल सकते हैं, सब्जी मसाला पाउडर डाल सकते हैं। मैं इसे भी सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है, इसमें हम डाल देंगे मटर और जो हमने आलू लिया था। फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम में हम सब्जी को अच्छे से भून लेंगे, थोड़े से हमारे आलू सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें हम जो अपनी फूल गोभी धो के रखी है वो डाल लेंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। सब्जी को हमने 5 मिनट अच्छे से पका लिया है और इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी और फिर से सभी सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे और हाई फ्लेम करके इसे हमें ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे। इस तरीके से ढक लेंगे और हाई फ्लेम करके 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। इसे हम अब खुला करके ही ढकेंगे नहीं इसे हम, और इसी तरीके से हल्का सा चलाते रहेंगे ताकि सब्जी थोड़ी सी ड्राई हो जाए और क्रिस्प भी हो जाए। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। सब्जी हम सूखी ही बना रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मसाला और थोड़ा ऑयली खाना पसंद करते हैं तो आप तेल भी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, मसाले भी डाल सकते हैं। हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। गैस बंद कर लेंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। गोभी आलू मटर बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।